अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडियन टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी क्लास 11 को जिक्र करने वाले हैं, जो कि NCERT की तरफ से डिज़ाइंड है। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर इस पहले यूनिट को हम लोग इंट्रोडक्शन को जिक्र करें। तो जो पहला यूनिट है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब इस यूनिट के अंदर जो लफ्ज़ डाइवर्सिटी मौजूद है, इस डाइवर्सिटी का जो मतलब है वो भी हमने यहाँ पर बयान किया हुआ है कि डाइवर्सिटी मीन्स दैट हाउ मच चेंजेस इज़ प्रेजेंट। किसी जानदार के अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस मौजूद हैं, ये जो है चेंजेस का होना ये डाइवर्सिटी कहलवाती है। हाउ मेनी वराइटीज़ आर प्रेजेंट, कितनी ज़्यादा उन चेंजेस की वजह से अलग अलग किस्में बनी हुई हैं, उन वराइटीज़ को भी इसी डाइवर्सिटी के अंदर पढ़ा जाता है। अब जैसे यहाँ पर इस यूनिट का नाम लिखा हुआ है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो इसका सिंपली मतलब क्या होगा, हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्राम ईच अदर, कि कैसे जानदार एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, कैसे एक जानदार दूसरे जानदार से अलग होता है। उसके अलावा हाउ मच चेंज अमंग देम इज़ फाउंड, कितना ज़्यादा चेंज उनमें मौजूद हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाउ मैनी वराइटीज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, और उन चेंजेस की बेस पर कितनी ज़्यादा जानदारों की वैरायटीज़ प्रेजेंट है, तो ये सारा इसी जो यूनिट है इसके अंदर पढ़ा जाएगा। अब इसके चैप्टर्स का हम जिक्र करें तो चार चैप्टर्स के अंदर इस यूनिट को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है लिविंग वर्ल्ड, फिर उसके बाद बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। सबसे पहले हम पहले चैप्टर का जिक्र करें जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। अब इसके अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो कौन से हैं, व्हाट इज़ लिविंग वर्ड, हम लिविंग वर्ड किसको कह रहे हैं, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों में किस तरह से डाइवर्सिटी मौजूद है, किस तरह से चेंज मौजूद है, व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होती है, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड क्लासिफाइड, तो जानदारों को कैसे जो है किस तरह से जो है ग्रुपिंग की गई है जानदारों की, इस जानदारों की ग्रुपिंग को ही हम लोग टैक्सोनॉमी का नाम दे रहे होते हैं, जानदारों की ग्रुपिंग और साथ में उनको नाम दिया जाना। फिर दूसरा चैप्टर जिसका नाम लिखा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर हम लोग ये जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से हमने जानदारों को पांच किंगडम्स में रखा हुआ है। किंगडम किनको कहते हैं, जो जानदारों के बड़े ग्रुप से उनको हम किंगडम कह रहे हैं, और उनके नाम यहाँ पर मौजूद है, जैसे किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया हो गया। और हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ रहे हैं जो नॉन सेलुलर है, जिनको किसी किंगडम में नहीं रखा गया, और वो है वायरस और वायरस से जुड़े हुए कुछ और ऑर्गेनिजम्स, वायरस जैसे ही कुछ और ऑर्गेनिजम जिनमें सेल नहीं पाया जाता। फिर प्लांट किंगडम, इस प्लांट किंगडम के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो होगी अल्जी, जो कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा प्लांट के बाकी ग्रुप्स को भी जिक्र करेंगे, वो प्लांट के बाकी ग्रुप्स कौन से हैं, ब्रायोफाइट्स जो छोटे से प्लांट्स होते हैं बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर्स के, और नॉन वेस्कुलर प्लांट यानी इनके अंदर जाइलम और फिलम नहीं होता जो पानी को आगे पहुँचाए, वेसल्स नहीं होती, ट्यूब्स नहीं होती जो पानी और खाने को ट्रांसफ़र करें। उसके बाद टेरिडोफाइट्स, ये टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, ये होते तो वेस्कुलर प्लांट्स हैं लेकिन ये ऐसे वेस्कुलर प्लांट्स जिनमें अभी तक सीड डेवलप नहीं हुआ, तो अर्ली नॉन सीडेड प्लांट्स जो हैं ये हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं। फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, के ऐसे प्लांट्स हमारे पास आ गए जो थेतो प्लांट्स, उनमें वेसल्स भी मौजूद हैं, सीड भी मौजूद हैं लेकिन सीड जो है वो फ्रूट के अंदर नहीं मौजूद और ना ही उनमें फ्लावर्स बनते। फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म्स, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर भी मौजूद है, सीड भी मौजूद है और सीड फ्रूट के अंदर बंद है। और फिर इनकी लाइफ साइकिल को भी हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एनिमल किंगडम, जिसके अंदर हम ये देखेंगे किस तरह से एनिमल्स को क्लासीफाई किया हुआ है 9 मेजर फाइला के अंदर, 9 मेजर ग्रुप्स के अंदर। पहले ये देखेंगे जानदार को क्लासीफाई करने की, जानदार को ग्रुप करने की कौन कौन सी शराइत हैं, किस किस बेसिस पर हम जानदार को ग्रुपिंग कर सकते हैं उनकी, उनको कैसे कैसे हम अलग कर सकते हैं। और फिर ये देखा जाएगा कि उनके 9 मेजर ग्रुप्स कौन से हैं और वो पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेट्स तक शुरू होते हैं। तो यहाँ इस तस्वीर के अंदर आप फाइलम्स को देख सकते हैं, स्पंजेस जो कि पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं, फिर उसके बाद फाइलम नाइडेरिया जिसके अंदर जेलीफिश है, फिर उसके बाद जो 3 फाइलम्स है वो आते हैं हमारे पास वॉर्म्स की यानी कि कीड़ों के, जिसके अंदर फ्लेटवॉर्म है, उसके अलावा राउंड वॉर्म्स है और उसके अलावा एनालीड्स हैं, उसके अलावा कुछ मोलस्कस का ग्रुप है जिसके अंदर ऑक्टोपस आ जाती है, फिर आर्थ्रोपॉड्स हमारे पास है, इकाइनोडर्मेट्स हैं और आखिर में सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कॉर्डेट्स, सबसे सिंपलेस्ट स्पंजेस, जैसे जैसे आगे कॉर्डेट तक गए तो जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते गए। और याद रखिएगा तमाम के तमाम एनिमल्स वैसे मल्टी सेलुलर ही होते, कोई भी इनके अंदर यूनिसेलुलर नहीं होता, हाँ उनमें टिश्यूज़ का डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि स्पंजेस हैं इनके अंदर टिश्यूज़ नहीं होते, नाइडेरिया उनमें टिश्यूज़ होते लेकिन कोई खास ऑर्गन्स नहीं होते, तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंसेस फिर हमें देखने को मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था, नेक्स्ट वीडियो का नाम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।